मुरादाबाद लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में हजारों पीतल दस्तकारों कलेक्ट्रेट पर एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा। वह योगी मोदी होश में आओ के नारे लगाए। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि 15 करोड़ की योजना जो मुरादाबाद के कुटीर उद्योग के नाम से संस्था के माध्यम से चलाई जा रही है, इसकी मुरादाबाद दस्तकारों को कोई जरूरत नहीं है। हम तो स्वयं सरकार को खुद कमा कर देना चाहते हैं, इससे मात्र दलाल पैदा हो रहे हैं, इसे बंद किया जाए। मुरादाबाद के सांसद ने जो संसद में कोयले के टारगेट बनाकर प्रदूषण की बात की है, वह इन संस्थाओं में मात्र पीतल दस्तकारों के नाम से लूट की गई है और दस्तकारों को कुछ नहीं मिला है। हमारा रजिस्ट्रेशन ब्रासवेयर कॉरपोरेशन में होता था। पूर्व की सरकार ने ब्रासवेयर कॉरपोरेशन समाप्त करके हमारे साथ अत्याचार किया है और हमारी कम तालीम का फायदा उठाया। जी, हम लगभग देश की 350 साल से खिदमत करते हैं। देश को 35,000 करोड़ रुपया सालाना कमा कर देते हैं। सरकार से हम कुछ नहीं लेते। बिजली चेकिंग ने हमें लगभग 60% बर्बाद कर दिया। आज हमारी जो फैक्ट्रियाँ, जो घरेलू उद्योग है, जो धारा 21 के तहत हम चलाते हैं, उसको ये कहना कि साहब ये अवैध है, उसको सीज करने के बाद में प्रदूषण विभाग आज की तारीख में हमसे 5,000 रुपये महीना मांग रहा है और पुलिस हमसे 3,000 रुपये महीना मांग रही है। जिस सनद दस्तकार के हाथ चूमने चाहिए थे, उस सनद दस्तकार के हाथ काटे जा रहे हैं। इसलिए आज हमने ये नोटिस दिया है। उसके बाद इस शहर की पूरी सनद की हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल करने के बाद आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो मकान हमारा है वही इंडस्ट्री है, वही मकान है। आज सीज करने के बाद हमारे बच्चे कहाँ स्कूल को जाएंगे, कैसे बच्चे हमारे पढ़ने जाएंगे? जब हमारा मकान ही सीज कर लिया तो हम कहाँ से निकले? ये हमारी एक मांग ये है। जज साहब भी अगर कोई सज़ा बोलते हैं तो पहले लास्ट अपील पूछते हैं, तेरी ख्वाहिश क्या है? यहाँ 15 लाख 16 लाख की पीतल सनद से जुड़े हुए लोग हैं। चंद भू माफियाओं ने बैठक करके और ये तय कर दिया कि मुराद की पीतल की सनद प्रदूषण के नाम पर पहले गजरौला की फैक्ट्री समाप्त करें। जो फैक्ट्रियों के अंदर तेजाब इस्तेमाल हो रहा है उसको बंद किया जाए। जो हिंदुस्तान की ज़िंदगी से खिलवाड़ा उसको खत्म किया जाए। देश का अरबों परिंदा देश से खत्म हो गया। आज की तारीख में जो खेती में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, वो ऐसा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है पीलिए से पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है कैंसर से पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है गुर्दे उसका नहीं है। उसका कारण यह है कि जो खेती के अंदर केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो भयंकर केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर इनका ध्यान नहीं है। हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमें उजाड़ना है तो हमें जगह बताई जाए, जगह कौन सी हो। और जो हमने अब तक पैसा कमा कर दिया, दूसरा जो मुराद का संसद गेम खेल रहा है, हम उसको कंडम करते हैं। 15 करोड़ की योजना सेंटर की चल रही है, वो गैस के नाम पर इन दलालों के हाथ में जाएगी, उस योजना को हम कंडम करना चाहते हैं। मुराद के दस्तकार ने हमेशा देश को और मुराद की और देश की जनता को दिया है। हम कर्ज लेकर काम नहीं करना चाहते, कर्ज देकर काम करना चाहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। लगभग मेरे ख्याल से देश को आज की तारीख में इन 2 सालों के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार करोड़ का नुकसान देश को हो चुका है। जो फर्मम मजदूर काम करते थे 3,000 और 4,000 में 70% मजदूर बाहर निकाल दिए गए। ये ओरिजिनल पिक्चर है, जिस पिक्चर को यहाँ के प्रशासन को समझना पड़ेगा। हम स्मार्ट सिटी नहीं चाहते, स्मार्ट रोजगार चाहिए। जब रोजगार होगा तभी स्मार्ट सिटी होगी, और रोजगार नहीं होगा स्मार्ट सिटी नहीं होगी। पहली लाश आप कचहरी से मेरी उठा के लेके जाओगे, मैं आंदोलन पर आ रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मेरी लाश को आप उठा के ले जा सकते हो, मुराद की सनद को नहीं जोड़ने दूंगा। मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कल पत्र लिखूंगा कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार हमें उजाड़ना चाहती तो आप हमें जमा दीजिए, हम 35,000 करोड़ कमा के पंजाब सरकार को कमा कर देंगे, हम यहाँ से पंजाब कूच कर जाएंगे।